हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेस में। चलिए आज हम लोग पॉलिटी का फोर्थ क्लास देखते हैं। इससे पहले मैंने तीन क्लास आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, और जो लोग नहीं देखें कृपया जरूर वो तीनों क्लास देख लें। और जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है भारतीय संविधान का विकास, उसका पूरा एक पृष्ठभूमि चल रहा है बैकग्राउंड का। तो इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम, और फिर उसके बाद ये कम्प्लीट करते हैं हम लोग देखेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। तो सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं, इसके बैकग्राउंड थोड़ा, मतलब इससे पहले क्या किया गया था 1833 में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन और 1813 में उसका चाय और चीन के साथ उसका एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार बना रहा है। लेकिन जैसे ही 1833 का चार्टर एक्ट आता है, इसमें कंपनी का कंप्लीट व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, और उसे पूरा प्रशासनिक निकाय के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और कहता है भाई बहुत हो गया आपका व्यापार, आप कीजिए प्रशासनिक कार्य। तो देखिए किस तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में 1600 में आती है, और 1833 आते आते उसका पूरा व्यापार का ही सिस्टम समाप्त हो जाता है, और पूरा यहाँ पे वो राज करना प्रारंभ अर्थात प्रशासन में इन्वॉल्व हो जाती है, और यहाँ पे वो शासन करना स्टार्ट कर देती है। तो इसीलिए जो बिजनेसमैन होते हैं काफ़ी चालाक होते हैं, उनसे ज़रूर बच के रहें। और नेक्स्ट देखते हैं इसका जो सेकेंड पॉइंट है, इसमें ये कहा गया जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, अर्थात यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का और एक एक्सट्रीम लेवल आ गया, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति काफ़ी चरम सीमा पे आ गई यहाँ पे। अब इसमें होता है क्या, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाता, और इस जो भारत का गवर्नर जनरल था इसे काफ़ी शक्ति दे दी गई, ऑलमोस्ट जितना भी था विधायिका शक्ति, रूल नियम बनाने का सारा इसी में निहित था। और इसमें ये किया गया जो एक और सदस्य को इंट्रोड्यूस किया गया, इससे पहले जो गवर्नर जनरल के परिषद में तीन सदस्य था, कब पिट्स इंडिया एक्ट में तीन कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट से पहले टोटल चार सदस्य थे, लेकिन जैसे ही फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है, इसमें जो गवर्नर जनरल के परिषद में एक सदस्य को और इंट्रोड्यूस कर दिया जाता, और वो विधि सदस्य के रूप में कार्य करता है। और जो ये विधि सदस्य के रूप में जो आते हैं मेंबर, वो होते हैं लॉर्ड मैकाले। आगे जाके 1834 में एक लॉ कमीशन का गठन करता है, और उसका अध्यक्ष कौन होता है, लॉर्ड मैकाले। ये हो गया आपका कंप्लीट। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोले तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होगा, क्योंकि इसका कार्यकाल कब है, इसका कार्य 1828 से लेकर 1835 तक चला, इसलिए दोनों का आंसर एक ही होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका तीसरा, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर शक्ति को समाप्त कर दिया। इसका मतलब ये हुआ जो प्रांतों का जो विधायिका शक्ति थी, जो नियम बनाने कानून बनाने के जो उसको पावर दिया गया था, उसे कंप्लीट समाप्त करके और सारा शक्ति गवर्नर जनरल को दे दिया गया। और इसमें मैंने आपको पहले बता दिया था यहाँ पे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति काफ़ी चरम पे थी, और सारा पावर किसके पास था, गवर्नर जनरल के ही पास, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसी के पास ये दे दिया गया। ये आपका पॉइंट हो गया कम्प्लीट। नेक्स्ट, हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके धारा, उसका जो धारा था सेक्शन 87 के तहत भारतीय को प्रशासन में भाग लेना संभव बनाया, अर्थात अब भारतीय को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सेवा करने या उसमें शामिल होने, उसमें नौकरी करने के लिए एक संभव रास्ता बनाया। लेकिन आगे जाके इसमें यह होता है, जो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर से काफ़ी विरोध के बाद इस समय ये लागू ही नहीं होता है, और फाइनल जो लागू होगा आपका 1853 में जाके लागू होता है। और एक लास्ट पॉइंट हो गया इसका, 1833 का चार्टर एक्ट में दास प्रथा, मतलब इसमें यह किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा, और उसमें यह किया गया जो दास प्रथा था उसे विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया। लेकिन दास प्रथा को पूरा समाप्त
एलन बैरो के समय में, लॉर्ड एलन बैरो जब आता है 1843-44 में, उस समय दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी 67th बीपीएससी जो था पीटी उसमें आया था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। 2 और 3, 2 और 4 इस फॉर्म में उसका ऑप्शन दिया गया था। तो यहाँ पे क्या इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया आपका 1833 का चार्टर एक्ट में, 1833 से आपका पहला हो गया कि जो कंपनी का जो एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार, वो पूरा रूप से समाप्त कर दिया गया और उसे एक प्रशासनिक कर दिया गया कि आप पूरा वो अब शासन व्यवस्था को ही देखना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट था इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसमें एक चौथा सदस्य को ऐड किया गया और वो चौथा सदस्य गवर्नर जनरल के परिषद में एक चौथा सदस्य को ऐड किया गया और वो जो चौथा सदस्य था वो आपका हो गया विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले, जो 1834 में लॉ कमीशन का स्थापना करता है और उसका वो अध्यक्ष खुद होता है। चौथा हो गया आपका प्रांतीय, जो विधायिका शक्ति था उसे समाप्त कर दिया गया और सारा पावर किसको दे दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल को, ये आपका हो गया। फोर्थ क्या था हमारा, चार्टर एक्ट 1833 के धारा 87 के तहत भारतीय को इसमें कंपनी में या फिर प्रशासन में भाग लेने के लिए संभव किया गया, लेकिन कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स के वजह से उसका विरोध करता है और ये उसमें लागू नहीं होता है। फिर मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया था दास प्रथा के बारे में, इसमें यह होता है जो दास प्रथा था 1833 के ही द्वारा उसे विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया जाता है, लेकिन कंप्लीट जो दास प्रथा समाप्त होता है आपका लॉर्ड एलन बैरो के समय में 1844 के आसपास होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज 1833 का ये कंप्लीट होता है और हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी शक्ति एवं प्रशासनिक कार्य को पृथक किया गया, अर्थात इससे पहले ये था कि जो इसे हम लोग देख ही रहे थे यहाँ पे सारा पावर किस गवर्नर जनरल के पास था और गवर्नर जनरल ही मतलब प्रशासनिक कार्य भी कर रहा था और विधायिका मतलब कर रहा था, नियम भी वही बना रहा था, लागू भी वही स्वयं कर रहा था सेम। लेकिन इसमें क्या किया गया चार्टर एक्ट 1853 में कि दोनों को डिवाइड पृथक कर दिया गया, प्रशासनिक कार्य अलग कर दिया गया और विधायिका कार्य, भाई कानून कोई और बनाओ और उसको लागू करवाने के लिए एक अलग भी व्यवस्था किया गया। उसी के रूप में ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात जो था केंद्रीय विधायिका, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल था, एक केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, केंद्रीय विधायिका परिषद का निर्माण किया गया और इसमें टोटल जो सदस्य थे वो 12 थे। और ये देखिए 12 सदस्य कहाँ कहाँ से आते थे, ये आपका सदस्य हो गया, 6 तो आपका हो गया गवर्नर जनरल और परिषद मिला के उसके अंदर कौन कौन आता था, गवर्नर हो गया एक, 4 हो गया उसका जो सदस्य था परिषद में वो, और 5वां हो गया कमांडर इन चीफ, तो 6 यहाँ से हो गया आपका। नेक्स्ट का जो 6 होगा आपका वो होगा कलकत्ता का जो मुख्य न्यायाधीश था, एक तो वो हो गया, एक मोस्ट सीनियर जज या फिर वहाँ का जो जज उस कलकत्ता का वो हो गया। फिर 4 जो था, 4 आपका बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, आगरा से जो वहाँ का जो प्रांतीय सरकार के द्वारा नामित किया जाता था अपॉइंट, वहाँ से ये 4 हो गया, अर्थात 6 मिलाकर टोटल हो गया आपका 12 सदस्य जो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल था। अब इसी का काम था नियम कानून बनाना, जिस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नियम पारित होता था, कोई भी कानून बनता था, सेम उसी प्रोसेस पे ये भी काम किया। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट, इसमें फर्स्ट बार जो है प्रथम बार इसमें ये किया गया जो केंद्रीय विधायिका में जो प्रांतीय मतलब अर्थात प्रांतीय जो प्रतिनिधित्व था इसे यहाँ पर शामिल किया गया। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट आपका एक ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब जो 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधायिका में प्रांतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करना यहीं से शुरू किया गया। ये 4 हो गया आपका, कहाँ कहाँ हो गया, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा से। हाँ एक और इसमें एक इम्पॉर्टेंट हो गया आपका, यहाँ जो चौथा सदस्य जो ऐड किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में जो विधि सदस्य था वो यहाँ पे पूर्ण रूप मतलब उसे पूर्ण दर्जा नहीं मिला था, इस सदस्य का पूर्ण दर्जा नहीं मिला था, लेकिन 1853 में उस विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा मिल जाता है सदस्य होने का, सदस्यता होने का, ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
इसमें पहली बार कंपनी के सेवा के लिए योग्यता के आधार पर भर्ती के लिए मतलब अर्थात इसमें ये किया गया जो एक सिविल मतलब सिविल सेवा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसके लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा और इसके मापदंड के लिए एक समिति का गठन किया गया 1854 में लॉर्ड मैकाले समिति। उसका काम था कि भाई मतलब इसको हम लोग कैसे शामिल करें, उसके लिए क्या नियम किया जाए अर्थात मतलब इसका कैसे हम लोग परीक्षा लिया जाए, इसका एग्जाम के थ्रू उसका क्या क्या मतलब इसके शामिल करने का क्या क्या होगा, इसका मापदंड, वो सारा काम लॉर्ड मैकाले को अध्यक्षता में एक समिति को दिया गया। और उसी तरह वो समिति 1854 में ही अपना रिपोर्ट सौंप देती है और फिर क्या होता है 1855 में लंदन में ही ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है। इसका काम होता है इंडियन सिविल सर्विस को जो एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट करवाना, सारा जिम्मेदारी इसे, और ये लंदन में है। अब भारतीय लंदन में जाके एग्ज़ाम दे ICS के, तब जाके वो बनेंगे अधिकारी, फिर जाके यहाँ पर आएंगे। तो हर एक के लिए तो पॉसिबल था ही नहीं वहाँ लंदन में जाके और ICS का परीक्षा देना, तो इसका भी काफ़ी विरोध होता, फिर आगे जाकर भारत में शुरू हो जाएगा। फिर देखिए हाँ 1858 में क्या होता है, पहली बार ICS की परीक्षा होती है लंदन में ही होती है, जो इसका मतलब ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन का गठन हो गया आपका 1855 में और ये लंदन में था और इसका एग्ज़ाम भी लंदन में 1858 में फर्स्ट बार होता है ICS की परीक्षा। और एक इम्पॉर्टेंट हो गया 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जो प्रथम भारतीय थे जो ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अर्थात पास हुए। ये आपका हो गया कम्प्लीट, क्या क्या हो गया हम लोग क्या देखें, इसमें पहली बार कंपनी के सेवा के लिए एक सिविल सर्विस का परीक्षा के लिए क्या किया गया, एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया और इसके लिए एक मापदंड तय करने के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया 1854 में, उसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता और 1855 में ब्रिटिश सिविल सर्विस कमीशन का गठन किया जाता जिसका जिम्मेदारी ये होता कि वो ICS की परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस का परीक्षा वो कराएगा। और 1858 में प्रथम बार ICS की परीक्षा जो लंदन में होता है और 1863 में प्रथम भारतीय जो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर वो इस परीक्षा में पास होते हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया गया, मतलब इसमें ये कर दिया जो 1853 का चार्टर एक्ट था इसमें ये मतलब ये इससे पहले जितना भी आता था वो 20 वर्षों के लिए उसको बढ़ा दिया जाता था, लेकिन इसमें इस टाइप का कोई भी प्रावधान नहीं था कि भाई आपको आगे कब तक काम करना, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश जो संसद था वो कंपनी को जो अधिकार दिया था प्रशासन करने का, इससे पहले व्यापार करने का, अब वो इंडिकेट कर रहा था कि आपका जो प्रशासन है जो आपका पावर है वो कभी भी आपका समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इसमें कोई प्रावधान ये नहीं कोई भी मेंशन नहीं किया गया था आप कितने वर्षों के लिए आप यहाँ पे भारत में अपना शासन कीजिएगा या जो आप कंपनी जो कार्य कर रहा था उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया। तो इससे यही जाहिर होता था कि ब्रिटिश संसद आप कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था उसका समाप्त कर देता शासन। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग लास्ट अगर बात करें तो इसमें ये किया गया एक बंगाल के लिए क्या कर दिया, बंगाल में एक पृथक LG लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया जिसका काम था प्रशासनिक कार्य को देखना। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो हमने आज कंप्लीट कर लिया 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे इससे आगे का 1858 जिसमें क्या होता है जो पूरा कंपनी को समाप्त कर दिया जाता और पूरा जो शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन अर्थात राजा और रानी जिसे महारानी के द्वारा इसे किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगे चैनल तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे बढ़ाने का और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए धन्यवाद।